लगता है, देखें इमाम को और एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनकी 50 की एवरेज है, बहुत उन्होंने स्कोर किया हुआ है और वो देखें बुरे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है स्कोर नहीं होता मगर तरीके होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म एक फखर जैसे थे कि पता था कि स्कोर नहीं करना क्योंकि टेक्निकल इश्यूज थे। एक इमाम अलग स्कोर नहीं कर रहे मगर दिख ठीक रहे हैं, सो इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शायद बॉल को जो हिट मारते हैं वो ठीक नहीं है। मैं भाई आज एक मैच खेला जाएगा, ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अगर कोई हमारा वे आउट है इसको वर्ल्ड कप में चांस है तो वो आज का मैच है। क्या देखते हैं आज के मैच में क्या रहेगा पिच के देखते हुए, आप भी कलकत्ता में मौजूद हैं, कैसी ये पिच हो सकती है ईडन गार्डन की और क्या कोई चेंजिंग भी एक्सपेक्ट करते हैं इस हवाले से? देखें एक तो ओवरवेलमिंग हमारे रिकॉर्ड है बांग्लादेश अगेंस्ट, 38 में से 33 दफा हम जीते हुए, तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि पिछले 4 मैच हारे हुए हैं। सो बांग्लादेश के लिए सरप्राइज करने के लिए पाकिस्तान को ये बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान वैसे तो बांग्लादेश से हारता नहीं है, एशिया कप में भी हमने जीता था मैच, बट प्रॉब्लम दोनों को जो है वो शॉर्ट बॉल पे है। पाकिस्तान के पास अब रफ्तार थोड़ी सी बेहतर होगी है मोहम्मद वसीम के आने से जूनियर के, क्योंकि इन्होंने जो पिछली बॉलिंग की है ऑलमोस्ट 50% जो बॉल किए थे वो 140 से ऊपर किए थे। सो ये अच्छी एडिशन हो सकते हैं, इनको कॉन्फिडेंस हौसला दिया जाए तो ये अच्छे बॉलर बनेंगे। ये जो बांग्लादेश के जो एक तरह से ट्रम्प कार्ड है वो मुस्तफिजुर है इस पिच के ऊपर कलकत्ता की, क्योंकि यहाँ गेंद थोड़ा सा फंसता है, बाउंस तो था अच्छा मगर गेंद फिर थोड़ा सा रुक भी रहा था, सो चेंज ऑफ पेस जो है सेकंड टाइम अराउंड वो खास तौर पे काम आएगी। पाकिस्तान को फील्डिंग अच्छी करनी है और वही बात है कि ये बेहतरीन मौका है उनके लिए, एक वाइड मार्जिन से ये मैच जीते हैं, सिर्फ जीते नहीं बल्कि पूरी अच्छी तरह से मैच जीते हैं क्योंकि नेदरलैंड से मैच हारे हुए हैं बांग्लादेश। फैंस बेइंतहा आते हैं इनके यहाँ पे, फिर से होंगे क्योंकि 40 मिनट की तो यहाँ से फ्लाइट है ढाका से कलकत्ता के लिए। सो मैच अच्छा होगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा एडवांटेज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के पास एक अच्छा एडवांटेज है अगर हम हिस्ट्री देखें और जिस तरह से पाकिस्तान ने मैचेस बहुत सारे जीते भी इनके अगेंस्ट। अच्छा सर, दो तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं, एक नवाज के हवाले से एक इमाम के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए? मुझे लगता है देखें इमाम को और एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनकी 50 की एवरेज है, बहुत उन्होंने स्कोर किया हुआ है और वो देखें बुरे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है स्कोर नहीं होता मगर तरीके होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म एक फखर जैसे थे कि पता था कि स्कोर नहीं करना क्योंकि टेक्निकल इश्यूज थे। एक इमाम अलग स्कोर नहीं कर रहे मगर दिख ठीक रहे हैं, सो इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शायद बॉल को जो हिट मारते हैं वो ठीक नहीं है या थोड़ी सी उनको स्पीड और बढ़ानी है, थोड़ा सा अपने अंदर रह के खेल रहे हैं, बड़े स्टेज से थोड़ी सी उनको घबराहट हो रही है, हालांकि एक दो इनिंग्स अच्छी खेले हैं वो। सो अगर आपने फखर को खिलाना है तो फिर नीचे खिलाएं उन्हें, क्योंकि नए बॉल पे वो इस पिच पे फिर फंस जाएंगे, गेंद थोड़ा सा हिलेगा और अभी तक पता नहीं है उनकी फॉर्म कैसी है, फिटनेस कैसी है। सो एक बहुत बड़ा चांस लेंगे पाकिस्तान अगर उनको खिलाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।